हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कुकिंग विद दीपाली। आज मैं राजस्थान की एक फेमस डिश लेकर के आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी, जिसे कई जगह पे टके पैसे भी कहा जाता है। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। पहले हम बेसन में मिलाने के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा लेंगे और अब इन तीनों को क्रश कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखना है हमको मसाले को, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब गट्टे बनाने के लिए बोल में 1 कप बेसन लेंगे और अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और जो मसाला हमने क्रश किया था वो बेसन में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बेसन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप लोग चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन में 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। और दही को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे हम। प्लेटफॉर्म पे डो को रख करके हाथों से ऐसे स्ट्रेच करूँगी। अगर हाथ पे डो चिपके तो आप लोग थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं हाथों में। डो को स्ट्रेच करने वाला प्रोसेस हम करीब 2 मिनट तक करेंगे। देखिए अब डो कितना सॉफ्ट हो चुका है, इसको अब हाथ में लेकर के हम रोल कर लेंगे। देखिए डो का जो रोल बनाया है अब उसको हम 4 इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। अब इन पीसेस को भी हम हाथों में लेकर रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको बनाना है। देखिए इस तरह से हमारे चारों रोल्स रेडी हो गए हैं। मैंने एक पैन में पानी गरम कर लिया है, अब हम इसमें ये रोल्स को डालेंगे। अब इन रोल्स को हम पानी में ढक करके पकने देंगे। चलिए हम गट्टे चेक कर लेते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए, ये रेडी हो गए हैं। देखिए इसके ऊपर वाइट वाइट बबल्स आ जाएंगे तो समझिए गट्टे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको पानी से बाहर निकाल लेंगे और देखिए ये पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, इस पानी को मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करूंगी। अब हम इन गट्टों को पीसेस में कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्राई करेंगे तो उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है।
अब इसमें हम गट्टे फ्राई करेंगे। गट्टों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ही फ्राई करेंगे। देखिए हो गए, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लेंगे। 6 लहसुन की कली ली हैं जिनको क्रश कर लिया है मैंने। 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 अदरक का टुकड़ा और 3 टमाटर लिए हैं। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को हम पीस लेंगे। सब्ज़ी बनाते हैं, मैं उसी ऑयल में बना रही हूँ जिस पे हमने गट्टे फ्राई किए थे। थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज तेल में डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार और अच्छे से टमाटर को फ्राई होने तक भूनेंगे। टमाटर फ्राई हो रहा है, हम दूसरा मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 कप दही लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिसको मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया है। और अब इन मसालों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें दही वाला मसाला ऐड करेंगे और मसाला डालने के बाद हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा। और इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूंगी और 1 बॉईल आने तक उसको पका लेंगे। अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें फ्राई करे हुए गट्टे ऐड कर देंगे। और अब इसको भी ढक करके 2 मिनट तक पकाएंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स कर देंगे। गट्टे की सब्जी रेडी हो गई है, अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। लीजिए स्वादिष्ट गट्टे की सब्जी रेडी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।